कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखते हैं, जीतते हैं हारते हैं। झूले झूले और बड़ा हम पदुम और 4 किलोमीटर दिखा रहे हैं। यहाँ से रास्ता 22 किलोमीटर पहले से बहुत अच्छा मिल गया था, मतलब ऐसा ही। ओके, आ गया पार्किंग। ओह माय गॉड, और वहाँ पे मेरा बाइक पार्क किया हुआ है। यहाँ पे और भी दो बाइक हैं, यहाँ पे भी एक बाइक है। और अभी चढ़ाई शुरू, चढ़ाई तो नहीं, मतलब थोड़ा सा चढ़ाई है, थोड़ा सा डाउन है। बोल रहे कि 2 घंटा लग जाएगा चलते चलते, काफ़ी दूर है। अब अटेम्प्ट तो कर लिए, देखते हैं। और रास्ता, भाई साहब रास्ते के बारे में कुछ नहीं बताऊँगा मैं, आप लोग देखे ही होंगे और कुछ नहीं बताना है मुझे। मरते मरते बचाऊँ, ऐसे ऐसे रास्ते से आया हूँ मैं। हाँ, ये मुझसे नहीं होगा, काफ़ी दूर है और मैं बहुत ज़्यादा हफ जाऊँगा, बहुत ज़्यादा जल्दी। मुझे ख़त्म करते करते 2.5-3 घंटा लग जाएगा। यार क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ? धूप काफ़ी तेज़ है। अरे यार ये होगा मुझसे, देखो रास्ता एकदम उधर तक, इतना दूर आ गए हैं, इतना रोड क्रॉस करके वापस चला जाऊं। क्या करूं, कोशिश करते हैं। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखते हैं, जीतते हैं हारते हैं। चलो आगे मिलते हैं। ऐसे हाफ रहा हूँ ना तो बात कर पाऊँगा ना कुछ दिखा पाऊँगा। वैसे दिखाना क्या है, यही रास्ता है। हालत देख रहे हो भाई साहब, इतना मुश्किल क्या होगा गोम्पा में? मतलब क्यों इतना फेमस है, लोग इतना चढ़ाई ऐसे रोड से जाते हैं फुकतल मॉन्स्ट्री देखने के लिए, विजिट करने के लिए, मगर क्यों यहाँ पे रास्ता नहीं है? देखो खिसक जाओगे तो ख़त्म, देखा? भाई साहब देखो ये रास्ता, देखो भाई साहब तो पूरा ढलान है। मुझे आज पादुम भी पहुंचना है, तो थोड़ा जल्दी नहीं करेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। अभी चला ही
ऑलमोस्ट पहुंच गए। एक ब्रिज के बाद किया था एक्चुअली। चलते हुए रास्ते में मुझे काफ़ी लोग मिले थे, लाइक सब वापस जा रहे हैं, तो उन लोगों से मैंने पूछा था कितना दूर है, तो बोला एक ब्रिज आएगा, ब्रिज से राइट ले लेना, और राइट लेने के किसी देरी बाद आ जाएगा। मेरा वर्ड्स पूरा नहीं हो रहा है मुँह का, इतना थक चुका हूँ। वो रहा ब्रिज, जगह बहुत खूबसूरत है, आपको ज़रूर आना चाहिए। मगर एक चीज़ जो मैं आपको एकदम 100% जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ, अगर आप राइडर हो, मतलब राइड करते हो और बाइक वाइक लेकर आ रहे हो, आपके पास सामान है जैसे देखो, तो आप हाथ में बहुत टाइम लेके आना, और अगर टाइम नहीं है तो मत आना। ये रास्ता हम लोग के नॉर्मल रास्ते जैसे नहीं है, पूरे रास्ते पत्थर है और बहुत चढ़ाई उतराई है, मतलब आप अगर थोड़ा सा भी थके हुए हो और मतलब उतरते वक्त पाँव फिसल गया तो आप टूट के नीचे आ सकते हो। बहुत ही डेंजरस है, मतलब डेंजरस मतलब स्टीफ है और ढलान भी बहुत है, तो अगर आप आना चाहते हो ज़रूर आओ, मैं तो कहूँगा ज़रूर आओ। ये चारों का नज़ारा देखो एक बार, ये चारों का नज़ारा इतना खूबसूरत है, आपको ज़रूर आना चाहिए। मगर प्रिकॉशन एक ही है, आप हाथ में टाइम लेके आना, धीरे धीरे आना। मुझे इस पार्क में पहुंचना है, इसमें जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में थक भी जा रहा हूँ। मैं 4-5 बार बैठ चुका हूँ और रुकते रुकते धीरे धीरे चल रहा हूँ। बात यही है, तो आप जब आओ ज़रूर आओ, हाथ में थोड़ा टाइम लेके आना। और ये रास्ता नॉर्मल रास्ते से नहीं है, बहुत चढ़ाई उतर रही है और पैर वगैरह बहुत संभाल के स्टेप फैलना पड़ता है। झूले लगभग सारे दरवाजे बंद है, ये देखो। पहुंच गया हूँ एकदम ऊपर, जहाँ पे एक मंदिर है, एक गुम्पा टाइप का है। यहाँ पे एक लामा टाइप के थे, मतलब लामा बोल सकते हो, उनका पूछा तो बोले ये करीब 3,000 साल पुराना है।
27 साल के ऊपर, मतलब लगभग 3 बरस, मतलब 3000 साल पुराना ये गुम्पा है। वर्थ है ना, ये यहाँ जो कल्चर है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ के लोग, पहनावा, सारा कुछ, यहाँ के बिल्डिंग्स, मतलब लकड़ी उसके ऊपर, जैसे हम बोलते हैं ना जिसे गाय खाती है चारा, उसके ऊपर मिट्टी लेप कर छत बनाया गया है। बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा देर पर बैठता हूँ, फिर जाना भी है, बहुत थक गया। तो गाइस मैं नीचे आ चुका हूँ और वो रहा मॉनेस्ट्री। वो एकदम गुम्पा जो एकदम खाली दिख रहा है, एकदम गोल कलर का, वहाँ मंदिर है, वहाँ तक गया था और अभी जा रहा हूँ वापस। मेरा लेफ्ट जो घुटना है थोड़ा दर्द कर रहा है, जैसे केदारनाथ ट्रिक के बाद जब मैं उतरा था तभी वहाँ पे दर्द कर रहा था, अभी वो दर्द फिर से बढ़ गया है। अभी मुझे फिर से पार्किंग पेज तक जाना है, उसके बाद पादुम। पादुम यहाँ से 45 to 60 किलोमीटर, 45 to 50 है पता नहीं एग्जैक्ट, तो पूरा ही ऑफ रोड है, मुश्किल हो जाएगा। अभी देर बज रहा है, मुझे जैसे तैसे करके 3-3.5 दिन के अंदर मतलब पहुँचना है, मतलब पार्किंग एरिया पे, उसके बाद तो पादुम रात हो जाएगा, देखते हैं। चलो जल्दी करते हैं, अभी मैं कुछ वीडियो नहीं करूँगा, आते वक्त पूरा रास्ता आपको दिखा दिया था, सो एकदम पार्किंग पे से मिलते हैं। ठीक से वापस आ चुका था, अभी टाइम हो रहा है 3:30 और मैं 3 बजे आ गया था। आने के बाद एक्चुअली मैं इसमें मेरा पेट्रोल था 5 लीटर डाल दिया, मेरा गाड़ी रिजर्व में जा चुका था। अभी पादुम जाना है, 3:30 बज रहा है, ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। और यहाँ से फिर वो वाला रास्ता होते हुए पादुम जाना है। भाई साहब ये रास्ता पादुम जाता है ना? पादुम पादुम जाता है ना? कितना किलोमीटर और? 40-45 ना? ठीक है, थैंक यू। भाई साहब ये रास्ता था, काफ़ी देर से मैं अकेला ही चल रहा हूँ, रास्ते पे कोई नहीं है, मतलब एक आदमी भी नहीं है जिससे अंदर एटलीस्ट पूछूं कि रास्ता सही जा रहा हो या गलत, ये पादुम जाता है या नहीं, एक आदमी ना तो एक गाड़ी, कुछ भी नहीं है। क्या करूँ यार, मैं तो चले ही जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ कि गलत पता नहीं, किसी को पूछे ऐसा ही कोई लोग नहीं है यहाँ पे। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये ब्रिज क्रॉस करके जाऊंगा ना? ठीक है, थैंक यू। चलो भाई मैं सही जा रहा हूँ, एक तो तसल्ली हुआ, और 16 किलोमीटर बोल रहे वो जगह से, वो कौन सा जगह दिखा पता नहीं, देखते हैं। 16 किलोमीटर मतलब ठीक है, नज़दीक है वो। ओके ओके, आज बहुत मतलब पैर दुख रहा है, बॉडी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। आज मुझे अगर कोई बोले ना कि तुम यही सो जाओ और आगे जाना नहीं पड़ेगा, मैं यही सो जाऊंगा, इतना तकलीफ हो रहा है आज। आंखों में बिलीव हो रहा है आपका? देखो कैसा रास्ता हो गया, और वहाँ पे एक माइलस्टोन था जहाँ पे लिखा था पादुम 22 किलोमीटर। शांति, हाँ कितना स्मूथ लग रहा है अभी। हाँ ये बहुत कुछ झेल रहा है, बहुत कुछ झेल रहा है ये बाइक, मतलब इसको कैसे थैंक्स कहूँ मुझे पता नहीं, कहाँ कहाँ से मुझे लेके आया ये बाइक, सच में हैट्स ऑफ, 390 एडवेंचर का हैट्स ऑफ है मेरा। जब ऐसा रास्ता आता है ना तो बाइक के लिए भी मुझे खुशी होती है। पादुम और 4 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से रास्ता, 22 किलोमीटर पहले से बहुत अच्छा मिल गया था, मतलब ऐसा ही है, बीच में 4 वाटर क्रॉसिंग मिला था, मतलब इस तालाब जैसा बन गया था, तो उधर से झरना आ रहा था इसलिए, तो वो उसको ख़राब नहीं बोल सकते, वो कुछ नहीं कर सकते उसको, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बाकी रास्ता पूरा एकदम ऐसा है, बहुत अच्छा, और मैं करीब करीब 6 बजे तक पहुँच गया पादुम, मतलब रोशनी रहते रहते। मेरा बदन बहुत पेन कर रहा है, मुझे बहुत भूख लगा है,
मैं बस अभी एक होम स्टे जैसे करके ढूंढूंगा, कुछ खाऊंगा और बस बिस्तर पे, और कुछ नहीं करना है आज। कल क्या करूंगा कल सोचूंगा, आज कुछ नहीं। मतलब आज मेरा हेडेक भी हो रहा है, सर फटा जा रहा है दो साइड। और 3-4 किलोमीटर ही है, आराम से पहुंच जाएंगे। शायद वो रहा पदम, वो जो दिख रहा है दूर गांव, वही वाला पदम है। चलो गाइस पहुंचते हैं, बाकी अपडेट रूम लेते हैं उसके बाद देता हूं, ठीक है? चलो जी। फाइनली मैं एक रूम ले लिया पदम में और दिखाता हूँ रूम आपको। तो बेसिकली यहाँ से एंटर करते हो, करते ही पहले वॉशरूम आ जाता है जो काफ़ी डिजाइन सा है, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ से अंदर आते हो और ये जो फ्लोरिंग देख रहे हो, ये फ्लोरिंग वुडन का है, तो बीच बीच में घटघट आवाज़ भी होता है। तो ये है रूम, और यहाँ पे एक डेस्क जैसा है, मैं सारा सामान फैला चुका हूँ। और यहाँ पे एक बेड है, यहाँ पे एक बेड है, और ये ऐसे कुछ रूम है, प्लग पॉइंट है। अभी मैं सब कुछ चार्ज में डाल दूंगा। मैं बहुत टायर्ड हूँ, मतलब मैं बस आपको अपडेट देने के लिए ही मैं कैमरा ऑन किया हूँ, नहीं तो मैं अभी गया था बाहर। बाहर जाके मैंने एक ब्रेड खरीदा था, कुछ केले खरीदे, कुछ केले और वाटर बॉटल, केले और ब्रेड कल सुबह के लिए। कल सुबह कुछ खाते निकलना है। और दूसरा है बस मैं, और मैं गया था एक बार डिनर करके आया। डिनर में किया मैं वेज थुक्पा, जो लद्दाख की डिश है, जो मैं पैंगोंग में खाया था, काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। तो वही फिर से मैं वही ऑर्डर दे दिया, एक वेज थुक्पा खा लिया और बॉटल ब्रेड और बनाना, ये ख़रीद के मैं आ गया। मेरे में इतना जान नहीं है कि मैं आप सारा कुछ आपको दिखाऊँ, तो कुछ नहीं था यार। वेज थुक्पा मैंने आपको पहले दिखाया था, वही सेम ही डिश है, सेम ही ऑलमोस्ट सेम है, रॉ वेजिटेबल्स डालते हैं उसमें, वो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा था इसलिए। टाइम हो रहा है 7:30 और अभी और कुछ नहीं करना है, अभी बस सो जाना है और कल उठेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ तक जाना है। वैसे मैं पूछा था रंगदूम, रंगदूम यहाँ से है 3-4 घंटे का रास्ता। मैं यहाँ पे मेरा जो मैप है उसमें कोशिश किया देखने के, तो मैप में नहीं हो रहा है। रात में डिसाइड करेंगे या फिर कल सुबह उठ के डिसाइड करेंगे, अभी सो जाते हैं। और कुछ नहीं, खाना वाना हो गया सब कुछ, कल सुबह उठ के सब कुछ करेंगे और निकल जाएंगे। और अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।